अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ इंटेलिजेंट प्रोग्राम प्रिपरेशन ट्यूटोरियल्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन सेट। प्रीवियस वीडियोस में आपका रिस्पांस जो है वो काफी अच्छा आया है, तो हम जो है वो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक ऑपरेशन ऑन सेट है। आई होप सो कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है, आप सजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑन सेट, आपको ऑपरेशन, आपको पहले तो ये याद होना चाहिए कि मैथमेटिक्स के कितने ऑपरेशन होते हैं। मैथमेटिक्स में चार ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। मैं किसको डिफाइन कर रहा हूँ, मैं ऑपरेशन को डिफाइन कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स के चार ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से? प्लस, माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये चार ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट, सेट पे कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है यूनियन की। आपने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन थोड़ा इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है मेलाप, ठीक है ना। मेलाप यानी कि कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये सिमिलर होता है एडिशन के, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम यूनियन में हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास दो सेट होते हैं, ठीक है, वन और टू। आई एम सपोजिंग वन और टू एक सेट हो गया, और बी है हमारे पास फोर सपोज के थ्री, ठीक है। तो अब इनकी यूनियन कैसे करेंगे हम? इनकी ए यूनियन बी इस तरह से रिप्रेजेंट होगी, और इसको हम कंबाइन करेंगे इन दोनों सेटों को। लेकिन उसका तरीका है, उसके तरीका ये है कि आपको कॉम्बिनेशन इन दोनों का करना है, लेकिन सीरीज के हिसाब से करना है। आपको सीरीज को डिस्टर्ब नहीं करना, जैसे वन टू थ्री, आप थ्री टू वन नहीं कर सकते। दिस इज द यूनियन, सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनियन। अब आ जाते हैं इंटरसेक्शन पे, ठीक है ना। इंटरसेक्शन में जब बात आती है, तो इंटरसेक्शन में बात होती है सिमिलरिटी की, ठीक है। इंटरसेक्शन में किसकी बात होती है? सिमिलरिटी की बात आती है। अब यही सेट हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। ए सेट है हमारे पास ए, और बी सेट है हमारे पास बी सेट में एलिमेंट है थ्री। अब इनकी इंटरसेक्शन जब हम करने जाएंगे, तो इसकी सिंबल है उल्टा यू, इसको ऐसे लिखा जाता है ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए, इनमें क्या कोई एलिमेंट सिमिलर है ए और बी में? कोई भी एलिमेंट इनमें सिमिलर नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा? नल सेट। इसको हम क्या कहते हैं? नल सेट। यानी कोई भी एलिमेंट अगर हम ए और बी पर इंटरसेक्शन का ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों में कोई भी चीज़ सिमिलर नहीं है, कोई भी एलिमेंट सिमिलर नहीं है, तो उसका आंसर क्या आएगा? नल सेट। अगर फॉर सपोज मैं एक और सेट बना लेता हूँ सी, ठीक है, और उसमें मैं एलिमेंट रख लेता हूँ टू और थ्री। अगर बात समझ में, उसमें एलिमेंट है टू और थ्री। अब मेरे पास सवाल आ रहा है ए इंटरसेक्शन सी का, ए इंटरसेक्शन सी का। अब मैं डायरेक्ट आपको ये करवाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ए और सी में हमने पता है कि इंटरसेक्शन में हमने क्या लिखना है, हमें सिमिलर एलिमेंट लिखने। तो आप देखें, ए में वन है लेकिन सी में नहीं है, ए में टू है लेकिन सी में है, तो ये सिमिलर हो गया। ए में भी है सी में भी है, तो हम ये लिखेंगे। उसके अलावा थ्री इसमें है, सी में है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। तो इसमें हम इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं? सिमिलर एलिमेंट्स हम लिखते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब ये हो गया, सिमिलरिटी को हम क्या करेंगे? प्रोमोट करेंगे यहाँ पे। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये हो गया। आई होप सो कि ये आपको सिमिलरिटी और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं डिफरेंस पे, ठीक है ना। अब मैं दूसरे एग्जांपल लेने लगा हूँ। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? कि आपको काटना होता है, ठीक है। अब किस तरह से काटेंगे वो आप यहाँ पे देख लें। ए सेट है हमारे पास, फॉर सपोज ए में है ए बी सी, और इसी तरह से मेरे पास बी सेट है, और बी में जो एलिमेंट हैं वो क्या है? वो है फॉर सपोज के सी डी और ए, ठीक है ना। अभी ये सेट इन्होंने खुद से दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हमें ऑर्डर से कोई भी लेना देना नहीं। अब हमें कह रहा है कि इन पे ए माइनस बी का जो है वो आपने मालूम करना है। अब ए माइनस बी, अब डिफरेंस में क्या होता है कि पहले जो सेट आता है ना, वो आपका मेन सेट है, उसमें से आपको बी सेट के एलिमेंट माइनस करने हैं, ठीक है। ए पहले आ रहा है, तो ए में से, यानी ये आपका मेन सेट हो गया, इसमें से आपको क्या करना है? बी के सेट जो है वो, बी के एलिमेंट जो होंगे वो आपको कट करने हैं। अब आपने यहाँ से आना है सी, यहाँ से कट करना है आपको, सी आपको यहाँ से कट करना है, सी कट हो गया, ओके। डी यहाँ पर है ही नहीं, तो डी को आपने छोड़ देना है, उसको कुछ नहीं। ए आपको यहाँ से ए में से कट करना है, ए भी कट में। अब जो आंसर आपका ए में बचेगा वो ही होगा आपका ए डिफरेंस बी का आंसर। आई रिपीट अगेन, कि ए डिफरेंस बी, यानी ए सेट में से आपको वो एलिमेंट माइनस करने हैं जो बी में भी मौजूद हैं, लेकिन जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा? जो एलिमेंट सेट ए में बचेंगे। आई होप सो कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस पे। ये स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है ना। अब सिमेट्रिक डिफरेंस है, यानी कि दोनों, अब पहले तो आपने डिफरेंस समझ लिया कि डिफरेंस में क्या होता है, ठीक है ना। अब मैं सिमेट्रिक डिफरेंस आपको समझाने जा रहा हूँ। फॉर सपोज ए हमारे पास एलिमेंट है वन टू थ्री फोर, और बी हमारे पास सेट है थ्री फोर फाइव, ठीक है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस की ये ट्राइंगल जो है वो सिंबल होती है। अब आ जाएं सिमेट्रिक डिफरेंस में, ठीक है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस में आपको क्या करना होता है कि डिफरेंस, पहले आपने डिफरेंस करना होता है, लेकिन सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि दोनों में जो चीज़ें कामन हैं दोनों में जो चीज़ें कामन है वो आपने कट करनी है। जैसे वन यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो इसको आप कट नहीं करेंगे। टू यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो आप इसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। थ्री यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो इसको आप क्या कर देंगे? कट कर देंगे, ओके, कट हो गया। फोर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये क्या हो गया? कट होगा। अब सिमेट्रिक में आपको क्या करना है कि अब दोनों में जो एलिमेंट बच गए हैं वो आपको लिखने हैं। सिमेट्रिक में क्या करना है? दोनों में जो एलिमेंट आपके बच गए हैं वो आपको लिखने हैं। यहाँ से बच रहा है वन टू,
और फोर जो है वो कैंसिल हो गया, और यहाँ से क्या बच रहा है, वन टू फोर फाइव। सिमेट्रिक का यही कॉन्सेप्ट होता है कि पहले तो आपने डिफरेंस करना है, यानी जो एलिमेंट है एक दूसरे में मौजूद है वो आपने कट करने हैं, बाकी जो बचेगा दोनों एलिमेंट में जो बचेगा वो आपको एक आंसर में आपको वैल्यू लिखना है। डिफरेंस में ये था कि जो आपका पहले सेट होगा, पहले सेट में जो आपके एलिमेंट बच जाएंगे आफ्टर द कटिंग, आफ्टर डिफरेंस अप्लाई करने के बाद पहले सेट में जो एलिमेंट बचेंगे आपने सिर्फ वही लिखने। सिमेट्रिक डिफरेंस में ये होगा कि डिफरेंस करने के बाद दोनों सेटों में जो एलिमेंट बच जाएंगे वो आपको आंसर में लिखने होंगे। ठीक है, तो ये है ऑपरेशन ऑन अ सेट। आई होप सो कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और एक्सपेक्ट करते हैं कि इस वीडियो पे भी हमें लाइक जो मिलेंगे वो 50 से कम नहीं मिलेंगे। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में। सिंध सलामत, साथ सलामत।